हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी क्लासेस। मैं शशि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है? तो साइंस से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी, थ्योरी के बाद हम करेंगे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं बार बार, उन सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइंस, साइंस क्या होता है, ठीक है? साइंस, साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान हमारे ज्ञान, हमारे प्रयोग और बोध पर आधारित होता है। डेली रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, हमारी जिंदगी, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, उसमें विज्ञान पूरी तरीके से सम्मिलित है, ठीक है? सभी एग्जाम्स में टॉपिक सीधा सीधा दिया रहता है कि डेली लाइफ से रिलेटेड साइंस। ठीक है, आइए साइंस देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइंस को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका है फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है? तीसरा पार्ट है बायोलॉजी का, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है? आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है। ये जो बायोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? एक है बायोस, दूसरा है लॉगस। लॉजी से बना है लॉगस। जो बायोस है, इसकी हिंदी होती है लाइफ। इसका मतलब होता है लाइफ या जीवन, ठीक है? जो लॉगस है, इसका अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। इसकी परिभाषा सीधे सीधे आपको सामने दिखाई दे रही है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है? जीवन का अध्ययन। ये क्या है? जीव विज्ञान है। आइए देखते हैं बायोलॉजी, इसकी खोज किसने की थी, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी की खोज किसने की थी। बायोलॉजी की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल, ठीक है? इन्होंने ही बायोलॉजी की खोज की थी या बायोलॉजी के बारे में बात की थी। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इसको कहा जाता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, या इसको कह सकते हैं अरस्तु, ठीक? अब इस बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? बायो को दो पार्ट में
डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या इंग्लिश में कहते हैं जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने प्लांट्स के बारे में पूरा वर्गीकरण दिया था, प्लांट्स के बारे में बताया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी। इसमें भी आपका छुपा हुआ है जू, जू का अर्थ है जंतु, और लॉगी से बना है लॉगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। या हिंदी में इनको कहते हैं अरस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जूलॉजी में जंतु विज्ञान है, तो जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो जंतु है उसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है या किसी भी जंतु या किसी भी प्लांट का जो शरीर है वो बना कैसे, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले होता है सेल, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये मिलके आपस में मिलके बनाती हैं टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। ठीक है, ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है, ये आपस में मिल गई, मिलके इन्होंने बना दिया टिश्यू। ठीक है, अब ऐसे ही ढेर सारे टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू जो है, अब एक टिश्यू यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये कोशिका एक कोशिका मिलके बनाया इन्होंने टिश्यू, अब ये दोनों टिश्यू क्या करेंगे? ये दोनों टिश्यू मिलके बनाएंगे टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम, अब ऐसे छोटे छोटे टिश्यू सिस्टम आपस में मिल जाएंगे। टिश्यू सिस्टम के बाद बनेगा ऑर्गन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंग, एक अंग का निर्माण हो जाता है। ठीक, ऐसे ही ढेर सारे टिश्यू एक अंग बनाएंगे और सारे अंग मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जिसको हिंदी में कहते हैं अंग तंत्र, और सभी अंग तंत्र जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं बॉडी, किसी की भी बॉडी, चाहे वो प्लांट की हो गई, किसी भी एनिमल की हो गई। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है। छोटी कोशिकाएं पहले क्या करती हैं? सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके बनाती है ऊतक, ऊतक सब मिलके बनाते हैं एक टिश्यू सिस्टम, या उसको कहते हैं हिंदी में ऊतक तंत्र। ठीक है, और सभी ऊतक तंत्र मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, सारे अंग मिलके अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं,
और सभी ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बॉडी किसी की भी होगी, चाहे किसी एनिमल की होगी या किसी प्लांट की होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। ठीक, सेल, ये सेल क्या चीज होती है, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, ये तो आप जानते ही हैं। इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने एक पेड़ की छाल पे ऑर्क देखा था, जो छोटे छोटे कमरे के समान था। ठीक है, वो छोटा छोटा जो कमरा है वो एक, उसी को इन्होंने कोशिका नाम दिया। ठीक है, एक छोटे छोटे ऐसे कमरे के समान पेड़ की जो छाल होती है, छाल आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे कोस्ट बने हुए थे, इसी कोस्ट को उन्होंने कोशिका का नाम दिया। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, जिस कोशिका की खोज इन्होंने की है, ये कोशिका कैसी थी? ये मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका थी। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। इसमें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि स्टडी ऑफ सेल, जो स्टडी ऑफ सेल है इसको क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब एक क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड है, पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीवित कोशिका की खोज की थी जीवित कोशिका की खोज लीविन हॉक ने की थी, ये एक साइंटिस्ट थे लीविन हॉक। ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोजने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन लीविन हॉक को। ठीक है, जिनको एवी लीविन हॉक भी कहा जाता है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है।